तो पावर पॉइंट में हम बात करेंगे ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस के बारे में। ट्रांजिशन मतलब जब हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम F5 किए, F5 करने के बाद मेरे पास आप देख पा रहे हैं कि ये आ रहा है, तो एक चीज़ से आने मतलब जो चीज़ आ रहा है उसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। उसके एक एक स्लाइड आने से दूसरे स्लाइड आने के बीच में किस तरह की चीज़ें होगी वो दिखा रहा है, समझे। जी सर। उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ट्रांजिशंस ट्रांजिशन। जी हाँ, ट्रांजिशन। तो चलिए बताते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए हमने एक स्लाइड इसी स्लाइड को सेलेक्ट किया और ये मैंने यहाँ पे बहुत सारे हैं ट्रांजिशन में, जैसे कि हमने पुश सेलेक्ट कर लिया तो नीचे से ऊपर की में होगा। तो अब Ctrl+F करेंगे, Ctrl+F5 करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नीचे से ऊपर की तरफ आया। एक मिनट, तो F5 करने पे एक इस तरह से आएगा क्योंकि नीचे से ऊपर हमने पुश किया हुआ है, ठीक है। ऐसे मान इसको सेलेक्ट किया, हमने वाइप कर दिया तो वाइप होगा, ये रिवील कर दिया तो इस तरह से रिवील होगा, कट कट होगा, रैंडम इस तरह से रैंडमली आएगा। जी हाँ बोलिए। हाँ है, अलग भी है, ऐप में रिकॉर्डेड चाहिए ना आपको, ऐप में देखिए अलग से है कोर्स। ऑनलाइन भी है, app.iptindia पर जाइए, यहाँ पे आप देख लीजिए 2999। देख रहे सर। तो बेसिकली क्या है, ये है एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के बीच में आने के लिए हम किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने इसको अप्लाई टू ऑल कर दिया तो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे F5 करता हूँ, एक ही ट्रांजिशन देखिए सारे उसमें चलेगा। जी हाँ, ये सब पे अप्लाई हो गया, मतलब कि आपको अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत। ऐसे वन बाय वन नहीं चीजें भी अप्लाई कर सकते हैं, वन बाय वन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई टू ऑल कर दिया तो इस तरह से अप्लाई ऑल हो जाएगा, समझ में आपको ट्रांजिशन। वन बाय वन ही, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन बाय वन ही होता है। नहीं, ऑनमन होता एडमिशन में होता है, इसमें मोस्टली एक ही होता है, एक स्लाइड दूसरे स्लाइड के बीच में एक ही रहता है, ठीक है ना। ट्रांजिशन में एक ही होता हाँ मोस्टली एक ही रखते हैं, ये वर्टिकली है, आप इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से आएगा, वर्टिकली करेंगे तो इफेक्ट वर्टिकली आएगा। और जो इफेक्ट ऑप्शन है ना वो चेंज होते रहते हैं, जैसे हमने क्यूब कर दिया तो इस तरह से क्यूब बन जा रहा है ना, तो ये भी आपका देखिए देखिए फ्रॉम राइट फ्रॉम बॉटम फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम टॉप कहाँ से आएगा। आपने जूम कर दिया तो जूम का अलग इफेक्ट है कि इन करना आउट करना है या जूम को रोटेट करना है तो ये रोटेट होते हुए आएगा इस तरह से। ऐसे पैन हमने सेलेक्ट कर लिया तो पैन भी किस तरह से है फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप, तो इफेक्ट इसी का पार्ट होता है कि जो आप ट्रांजेक्शन यहाँ सेलेक्ट करते हैं उसी का इफेक्ट यहाँ पे आएगा। ऐसे स्प्लिट हो गया तो इस तरह से स्प्लिट हो रहा है तो स्प्लिट का इफेक्ट अलग आएगा कि आपको इस तरह चाहिए या इस तरह चाहिए, ठीक है। जी ये सर। चीज़ें होती। उसके बाद आता है यहाँ पे ड्यूरेशन की, कितने स्लाइड का कितने टाइम का रहेगा, 1 सेकेंड का ड्यूरेशन। मान लीजिए कि मैंने हमने ये विंडो को सिलेक्ट कर लिया हुआ है वन, और इफेक्ट भी हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है और ये 1.5 सेकेंड का है ना, देख रहे हैं। मैंने इसको बढ़ा दिया, मैं इसको 3 सेकेंड का कर दिया, अप्लाई टू ऑल कर दिया। अब देखिए मैं F5 करता हूँ,
देख रहे, धीरे धीरे आ रहा है एकदम, तो आ रहा है ना सर? जी सर जी ठीक है, तो आप ट्रांजिशन कितना सेकंड रखना चाहते हैं उसके लिए? अब आता है साउंड, क्या इसमें कोई साउंड रखना चाहते हैं आप, क्लिक का, कुछ ड्रम बेल का, या कुछ और अलग साउंड है यहाँ पे? अदर साउंड पे जाके आप खुद के साउंड भी ले सकते हो, बट साउंड की ऑडियो फाइल होनी चाहिए MP3 में। तो क्या होगा, जैसे मैंने ड्रम रोल ले लिया हुआ है, और F5 करते हैं, साउंड नहीं। अच्छा, साउंड मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, हमने साउंड सही तो है, साउंड जैसे सर साउंड से क्या मतलब रहता है? नो साउंड हो गया यहाँ पे सिलेक्ट, माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ पे ड्रम रोल साउंड, मतलब जब आएगा तो बजेगा, नहीं समझे? अच्छा, तो आवाज आएगी, आवाज आएगी। ओके ओके, समझ गए। समझ गए? हाँ ठीक है, हाँ क्लियर। सर उसके बाद एडवांस स्लाइड होते हैं कि क्लिक और माउस क्लिक पे होगा, या आफ्टर, आप एक टाइम दे दीजिए कि भाई ये अपने आप इतना सेकंड बाद चेंज हो जाएगा स्क्रीन पर आने के बाद। तो मैंने यहाँ पे 1 सेकंड दे दिया कि 1 सेकंड बाद अपने आप, 1 सेकंड 2 सेकंड कर देता हूँ, कर चेंज देता हूँ, होता है। ये अप्लाई टू ऑल कर दिया, और इसको हम F5 कर। मैं नहीं कर रहा हूं, अपने आप ये 2 सेकंड बाद हो रहा है, तो 2 सेकंड बाद ये अपने आप चेंज कर रहा है। ये सब समझ में चेंज आ होते गया? रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलिए, तीसरा आते हैं एनिमेशन। अभी एनिमेशन हाइलाइटेड नहीं है, नहीं है ना? तो बेसिकली नहीं एनिमेशन जो है किसी स्लाइड पे नहीं होता है, वो होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। इसे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और मान लीजिए कि मैंने इसको रैंडम बार सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे और भी चीजें हैं देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टर्न लिख हाँ कर दिया, कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो हम प्ले यस करेंगे, तो मेरा स्लाइड आया, उसके बाद आप ये यस देखिए ये चला जाएगा, दूसरा स्लाइड आ गया, समझे? अच्छा। तो ऑब्जेक्ट मतलब इन द सेंस किसी जी पिक्चर पे या जी किसी जी जी लोगो जी पे ये लगा हाँ, सकते हैं जैसे मैंने इसको एनिमेशन हम लोग, सेलेक्ट कर है? लिया, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें आता है फ्लाइंग शेफ, व्हील, जूम, बिलियर्ड, पुश, क्रो, डेकन, ट्रांसपेरेंसी, डिप्जेक्ट कलर। इसमें टाइपराइटर पहले आया करता था, जो टाइप, जिसमें टाइप होता है, एक एक करके टाइप होगा, स्ट्रिंग टर्न, कस्टम पाथ, अच्छा ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे, सारे के सारे जितने भी होता है सब यहाँ मिल जाएगा। हाँ। इस पे आ गया पाइनएप्पल, स्प्लिट फ्लाई, रैंडम बार नहीं, इसमें ब्लाइंड नहीं है, इसमें नहीं है इसमें। नहीं, पर हटा दिया उन्होंने, पहले था, ठीक है ना? अच्छा एनिमेशन पेन यहाँ पे आता है, अलग चीज़ होगी। मान लीजिए कि हमने इस पे आया, इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे, हाँ, ए रैंडम बार्स की जगह पे, मान लीजिए रैंडम बार्स से हमने ले लिया, इफेक्ट ऑप्शन के जगह पे हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ पे एज ऑन सब्जेक्ट, यहाँ पे एट वन वंस हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए क्या होगा, इसको अगर हम F5 पे आते हैं, ठीक है ना? इस हाँ तरह से हो सर जाता है। मैं साउंड हटा देता हूँ, इरिटेट कर रहा है थोड़ा हाँ सा। तो एनिमेशंस में आप एक पर्टिकुलर स्लाइड बाय स्लाइड, हर स्लाइड पे जाके कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। इसमें और भी है, जैसे कि मैं इसको पाथ कर देता हूँ, यहाँ दिख रहा है ना आपको, यानी चाहिए पाथ,
तो इसी को ले लो, मैं नीचे से ऊपर करना चाहता हूँ, यहाँ से ऊपर होना चाहिए, राइट। तो सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने कस्टम पाथ पे क्लिक किया, और कस्टम पाथ में यहाँ से हमने इसको इस तरह से समझे। देखा सर, अच्छा, समझ गए। यस सर, यस। तो अपना पाथ भी इसको ले जा कर सकते हो, कस्टम पाथ। नहीं आपके पास कोई फिक्स पाथ है तो फिक्स पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जी यस सर। ठीक है, ये फिक्स पाथ है, ये आप कस्टम पाथ। इस तरह से एनिमेशन पे आप पाथ भी लगा सकते हो, समझ गए। यस सर। और जो पाथ लगाते हैं उसका यहाँ पे ये आपका ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आता है ऐड एनिमेशन, आप इसी में मैं यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ सेलेक्ट करके ये ऐड एनिमेशन, जैसे कि आपने इसको अपीयर सेलेक्ट कर लिया, राइट। इसमें आप एक और एनिमेशन मैंने ट्रिगर सेलेक्ट कर लिया, दिख रहा है यहाँ पे इसे हिल रहा है। हाँ, हिला। हाँ तो इसमें दो दो एनिमेशन हो गया, दिख रहा है। अच्छा, तो एनिमेशन क्या क्या है वो एनिमेशन का यहाँ डिटेल है, कोई डिटेल, अगर किसी को हटाना है डिलीट करना है तो यहीं से आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव दिख रहा है ना, रिमूव करना है। अब आता है एनिमेशन की टाइमिंग, आप एनिमेशन की टाइमिंग भी सेट कर सकते हो यहाँ से। स्टार्ट कब होगा, ऑन क्लिक होगा, या विद प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस होगा, एक के बाद एक अपने आप हो जाएगा। ड्यूरेशंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डिले कितना देर रुके, ठीक है। उसके बाद ट्रिगर कि ऑन क्लिक हो या ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाए, ऑटोमेटिक ट्रिगर है, ऑन क्लिक नहीं है। हाँ यहाँ पे एनिमेशन पॉइंटर आपको दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए इसको एनिमेशन पॉइंटर होता है, खास इसमें नहीं है। और बाकी दो इसे सेलेक्ट कर लिया तो मूव लेटर, तो इसको ऊपर नीचे करना हो इसके लिए होता है, कोई गलत एनिमेशन लग गया है तो ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। टाइमिंग वगैरह वही सेट कर सकते हैं जैसे कि हमने ट्रांजिशन यस में सेट किया है, ठीक है। सर। बाई पैराग्राफ है, एट वन हम बोला एट वन, तो एक बार एक पूरा एक ही और सारा हो जाएगा। एट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाइज होगा, या फिर आप यहाँ ये कर दीजिए पैराग्राफ, तो इस तरह से वन बाय वन पैराग्राफ होगा। 1 by 1 होगा। ठीक है, समझ गया, यस सर, ये हो यस गया। सर। अब ये बात करते हैं स्लाइड शो, जो हमारा स्लाइड शो है उसके बारे में, स्लाइड शो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपका अब यहाँ पे आने मतलब है कि आपने अपना माइक अपना प्रेजेंटेशन फिनिश कर लिया। अब इसे स्टार्ट करना अच्छा, है आपको, जैसे F5 करते हैं तो फ्रॉम बिगिनिंग से होता है, कस्टम साइड। मुझे मान लीजिए कि मुझे सिर्फ इसी फ्रॉम एक ही बिगनिंग। स्लाइड को देखना है, यहीं से शुरू करना है, तो ये देखिए यहीं से शुरू हो, हाँ ठीक है, दिख रहा है। ठीक है। तो यहीं से शुरू हुआ। उसके बाद है कस्टम स्लाइड्स। अब कस्टम स्लाइड पे जाके आप न्यू पे क्लिक करें और किस किस स्लाइड को दिखाना है। कभी कभी क्या होता है कि हमें पूरा स्लाइड नहीं दिखाना होता है, तीन चार स्लाइड ही दिखाना होता है, तो तीन चार स्लाइड को सिलेक्ट करके आप अच्छा, ओके कर दे। अब मैं इसके बाद इसको क्लोज करता हूँ। जब मुझे वो तीन चार स्लाइड ही शो करना है तो कस्टम शो पे आते हैं, और कस्टम शो नंबर वन, तो यहाँ पे देखेंगे कि कोर्स ऑफर्ड से शुरू हुआ, स्टार्टिंग से शुरू नहीं हुआ आपका, हाँ और वो तीन चार स्लाइड ही शो होगा, पूरा स्लाइड नहीं होगा। नहीं शो होगा। ओके, कोई ओके सर, डाउट इसमें। नो। अब यहाँ पे जैसे कि वेलकम लाइव फीडबैक योर रिसर्च, तो यहाँ पे फीडबैक देके कोई आवाज वगैरह भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोच होता है जैसे
जैसे कभी कभी बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे जो भी करेंगे, ये सारा का सारा आपका आता जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड जब होगा। हाँ ये सुन रहा है रिकॉर्ड होगा, जब खत्म हो जाएगा तो ये रिकॉर्डिंग आपका इस रिफ्रेश होके ये बता देगा। अच्छा जी लेकिन ये हम लोग यूज नहीं करते हैं सर, रहता है सेटअप स्लाइड शो, आप स्लाइड शो को यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, ये पूरी प्रॉपर्टी स्लाइड शो की आती है सेटअप की, ठीक है ना। फुल स्क्रीन पे करना है या अच्छा म्यूजिक विंडो पे करना है या फिर ब्राउज एट कियोस फुल स्क्रीन, मतलब जो होता है कियोस स्क्रीन होता है, ऑल शो करना है या कोई स्लाइड है या कस्टम स्लाइड यूज करना है, यहाँ पे एडवांस स्लाइड अपने आप आना चाहिए या फिर मैनुअली आना चाहिए, स्लाइड शो मॉनिटर प्राइमरी होना चाहिए ऑटोमेटिक होना चाहिए, पेन का जो उसमें लिखेंगे वो पेन का कलर क्या होना चाहिए, ठीक है ना, उसका यूज होता है। हाइट स्लाइड, मान लीजिए कोई स्लाइड को हाइट करना है तो यहाँ से हाइट कर सकते अच्छा हैं। और ये रिहर्स, ये आपका वो आ गया रिहर्स, क्या बोलते हैं उसको, रिहर्सर्स, रिहर्सल। रिहर्सर्स, इसका यूज बहुत कम होता है, ये रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बाकी चीज़ वही है, यहाँ पे सबटाइटल सेटिंग करना है कि फ्रॉम बॉटम में आपका सबटाइटल आना चाहिए, माइक्रोफोन आना चाहिए, माइक्रोफोन अगर यूज करते हैं तो, कैप्शन और सबटाइटल के लिए, लेकिन वो कैप्शन सबटाइटल आपके लिए नहीं होता है, वो देखने के लिए होता है साइड में, जब कमेंट कैसे करते थे वो कमेंट, अच्छा तो ये तीनों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है सर, क्या ये तीनों मेन है। फिर हम कल जो है पावर पॉइंट अच्छा खत्म करेंगे, इसमें रिकॉर्ड और प्रीव्यू व्यू जैसे खत्म करेंगे, और इसमें आप बाकी जो चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो तीन चीज़ हमने कर लिया, हमने ट्रांजेक्शन कर लिया, हमने ओके सर। एनिमेशन कर ओके लिया, हमने स्लाइड शो कर लिया, राइट, इसको प्रैक्टिस कर लिया हाँ। फिर इससे